हेलो दोस्तों, हमारे चैनल हिम बस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो सीरीज़ हमारे रीसेंट स्पीति ट्रिप के बारे में है। मार्च 2021 में हमने वहाँ का 6 दिन का ट्रिप किया था, तो उस ट्रिप की सारी डिटेल्स इस वीडियो सीरीज़ में बताने जा रहे हैं। क्योंकि पहले भी कई बार स्पीति जा चुके हैं, तो इसीलिए इस बार कोई ख़ास आइटिनरी तैयार नहीं की थी। प्लान यही है कि रिकांगपियो तक अपनी गाड़ी से जाएंगे और रिकांगपियो से आगे का सफ़र HRTC बसेस के थ्रू होगा। तो हम 2 लोग हैं और शिमला से अपना सफ़र शुरू करेंगे। किन्नौर और स्पीति के कौन कौन से विलेजेस में घूमना होगा, इसका डिसीजन भी रिकांगपियो पहुंचने के बाद ही करेंगे। इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू हम आपको शिमला से स्पीति के बीच पड़ने वाले ऑलमोस्ट सभी मेजर प्लेसेस के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो ये वीडियो इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम शिमला से रिकांगपियो रोड ट्रिप की डिटेल्स कवर करेंगे। आज 21 मार्च है और सुबह के 11 बज रहे हैं। हम शिमला से अपना सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। शिमला से रिकांगपियो का टोटल डिस्टेंस 240 किलोमीटर है, जिसमें वैसे करीब 8 घंटों का टाइम लगता है, पर हम इस जर्नी को 2 दिन में कवर करेंगे। तो एज सच टाइम की रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, आराम से घूमते हुए जाएंगे। शिमला के ट्रैफिक से निकलना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। सड़कें तंग हैं और ट्रैफिक लोड ज़्यादा बढ़ गया है। फाइनली हम ढली पहुंच गए हैं। ढली से निकलते ही हम थोड़ा आगे जाकर रुक गए, क्योंकि यहाँ से वैली के बहुत सुंदर व्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ देर रुकना तो बनता ही है। इस जगह को ग्रीन वैली के नाम से जाना जाता है और देवदार के घने पेड़ों को देखकर मन एकदम फ्रेश सा हो जाता है। इसके बाद हम कुफरी पहुँच गए और यहाँ से ये राइट वाला रोड चायल को जाता है। चायल यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, और जो टूरिस्ट शिमला में शांति की तलाश में आते हैं, वो चायल साइड स्टे करना पसंद करते हैं। कुफरी के बाद ट्रैफिक काफ़ी कम हो जाता है और शिमला सिटी से निकलने के बाद रोड्स भी थोड़े वाइडन हो जाते हैं। फागू और ठियोग के बीच चाय नाश्ते के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, एंड नीचे के शानदार व्यूज़ के साथ एक छोटा ब्रेक आप यहां ले सकते हैं। हमने भी यहां रुककर चाय और मैगी खाई। इसके बाद हम ठियोग पहुंचे। शिमला से ठियोग 30 किलोमीटर है और हमें यहां तक 1.5 घंटा लग गया। अब स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, वरना रात से पहले हम रामपुर भी नहीं पहुंच पाएंगे। ठियोग से चौपाल, नेरवा, कोटखाई व रोहड़ू साइड जाने के लिए अलग रास्ता जाता है। NH5 शिमला से किन्नौर को जोड़ने वाला मेन रोड है, जिस पर हम अभी जा रहे हैं। शिमला से रामपुर स्ट्रेच तो काफ़ी टाइम से अच्छा था, बट अब रिकांगपियो तक भी मैक्सिमम रोड डबल लेन हो चुका है। इस रोड को हिंदुस्तान तिब्बत राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल हिंदुस्तान और तिब्बत के बीच व्यापार के लिए रोड कनेक्टिविटी की बहुत ज़रूरत थी, और तब अंग्रेज़ों के समय साल 1850 में लॉर्ड डलहौजी ने यह सड़क बनवाने के बारे में सोचा। तब कालका से सोलन, शिमला व किन्नौर होते हुए शिपकिला पास के थ्रू तिब्बत को रोड के साथ कनेक्ट किया गया, और काफ़ी समय तक हिंदुस्तान और तिब्बत के बीच इसी रास्ते व्यापार चला। फिर बाद में जब तिब्बत पर चाइना ने अधिकार कर लिया, तब शिपकिला पास बंद कर दिया गया। उस वक्त ये रास्ता शिमला से नारकंडा, कोटगढ़ व सराहन होते हुए निकलता था। ठियोग के बाद अगला बड़ा विलेज मतियाना है, और यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स और ढाबे वगैरह भी हैं। हमारा आज का स्टे रामपुर में होगा। रामपुर में हमने HPTDC यानी हिमाचल टूरिज्म के होटल बुशहर रिजेंसी में स्टे बुक किया है। अभी मार्च 31 तक ऑफ सीज़न है, तो करीब 40% ऑफ की डील्स चल रही हैं।
वैसे अगर आप किन्नौर या स्पीति ट्रिप पर जा रहे हों तो सुबह शिमला से निकलकर शाम तक रिकोंगपियो पहुंच सकते हैं एंड बीच में नाइट स्टे की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर अगर आपको स्टे करना ही पड़े तो रामपुर की बजाय सराहन बेटर ऑप्शन है। ये हमारे आगे चंडीगढ़ से रिकोंगपियो डीलक्स बस जा रही है। शिमला से रामपुर और रिकोंगपियो रूट पर HRTC की बहुत सारी बसेज अवेलेबल हैं। HRTC बसेज शिमला से रामपुर के 130 किलोमीटर्स को कवर करने में 4.5 से 5 घंटे का टाइम लेती हैं, वहीं गाड़ी में आपको करीब 4 घंटे लगेंगे। तो करीब 1:30 बजे हम नारकंडा पहुंच गए। नॉर्मली शिमला से नारकंडा पहुंचने में 2 से 2.5 घंटों का टाइम लगता है। नारकंडा अपर शिमला का एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। नारकंडा की हाइट 2,708 मीटर्स है और यहाँ सर्दियों में शिमला से भी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है और बर्फ़ की वजह से कई बार रोड भी बंद हो जाता है। फिर उस टाइम शिमला से रामपुर और रिकोंगपियो का ट्रैफिक वाया बसंतपुर डाइवर्ट करना पड़ता है। नारकंडा के मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स हाटू पीक और तनी जुब्बर लेक है। अगर आप किन्नौर या फिर स्पीति ट्रिप पर जा रहे हों तो शिमला की बजाय यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। घने देवदार के पेड़ों के बीच बसा नारकंडा एक बहुत प्यारा सा टाउन है। यहाँ काफ़ी सारे होटल्स अवेलेबल हैं और होटल्स का एवरेज रेट यहाँ पर 1500 से 3000 रुपये के बीच है। ठियोग में एक पेट्रोल पंप था और उसके बाद सीधे नारकंडा में ही है। नारकंडा में फ्यूल भरवाने के बाद लगभग 2 बजे हम यहाँ से निकल गए। अब सैंज तक हमें पूरा पहाड़ नीचे उतरना है। नारकंडा से सैंज तक पहुँचते पहुँचते मौसम भी काफ़ी बदल सा जाता है। जहाँ नारकंडा में ठंड होती है वहीं सैंज में आपको गर्मी का एहसास होगा। ये हमीरपुर से रिकोंगपियो जाने वाली बस है। शिमला से रिकोंगपियो के लिए सुबह 4 बजे से 10 बजे तक काफ़ी सारी बसेस जाती हैं। उसके बाद नाइट बसेस शाम 6:30 बजे से शुरू होती हैं। ये सामने कोटगढ़ एरिया है जो कि सेब की पैदावार के लिए जाना जाता है। कुमारसेन होते हुए हम किंगल पहुंच गए हैं। नारकंडा से यहां तक उतराई ही उतराई है। किंगल में HRTC बसेस का फूड हाल्ट होता है। लंबी दूरी की लगभग सभी बसेस यहां पर खाने के लिए रुकती हैं। और यहां से नीचे उतरकर हम सैंज में सतलुज नदी के पास पहुंच जाएंगे। सतलुज नदी तिब्बत में माउंट कैलाश के पास रक्षताल झील से निकलती है और इंडिया में हिमाचल प्रदेश व पंजाब से होती हुई पाकिस्तान में सिंध नदी में समा जाती है। ये हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है जो किन्नौर ज़िला के शिपकिला से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और बिलासपुर ज़िला के नैला गांव में हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब में प्रवेश कर जाती है। करीब 4 बजे हम सैंज पहुंच गए और यहां से आनी और जलोड़ी पास के लिए अलग रास्ता जाता है। सैंज के बाद अब रास्ता काफ़ी प्लेन जैसा है, मतलब ज़्यादा मोड़ या फिर चढ़ाई उतराई नहीं है। सैंज और रामपुर के बीच बहुत सारे पेट्रोल पंप्स भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ सतलुज नदी के उस पार कुल्लू ज़िला है और निरमंड बागीपुल एरिया भी इसी तरफ पड़ता है। श्रीखंड यात्रा पर जाने के लिए भी यहीं से होकर जाना पड़ता है। तो करीब 4:30 बजे हम रामपुर पहुंच गए। रामपुर शिमला ज़िला का एक बड़ा शहर है। हालांकि इस शहर का कुछ हिस्सा ज़िला कुल्लू में भी पड़ता है। सतलुज नदी इस शहर को 2 भागों में बांट देती है और नदी के उस पार वाला हिस्सा ज़िला कुल्लू में आता है। करीब 5 बजे हमने होटल में चेक इन किया। होटल एक पुरानी प्रॉपर्टी है एंड बाहर से देखने में काफ़ी अच्छा है। होटल के बाहर ही 6-7 गाड़ियों की ओपन पार्किंग है। चेक इन प्रोसेस स्मूथ था बट होटल का स्टाफ उतना वेलकमिंग नहीं है, मतलब थोड़ी सरकारी काम वाली फील यहाँ पर आती है। वैसे रूम डिसेंट है। हमने इस डबल रूम का 1350 रुपये पे किया है। बाहर मौसम तेज़ी से ख़राब हो रहा है और आंधी तूफान भी चलने लगा है।
थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम सबसे पहले महालक्ष्मी मंदिर आए जो हमारे होटल के पास ही है। ये मंदिर सड़क के किनारे ही है और यहाँ पर बनी ये हनुमान जी की भव्य मूर्ति हर आने जाने वाले के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसके बाद हमने थोड़ी देर मार्केट वगैरह घूमा। एटीएम से कैश निकालने के लिए हमें काफ़ी भटकना पड़ा क्योंकि इन जगह एटीएम बहुत दूर दूर होते हैं, तो आप एक ही बार में ज़्यादा कैश निकाल कर रखने की कोशिश करें। ये रामपुर का बस स्टैंड है और यहाँ से दिल्ली, चंडीगढ़, हरिद्वार और जम्मू वगैरह के लिए सीधी बसेस उपलब्ध हैं। बस स्टैंड काफ़ी स्पेशियस है और बहुत सारे पार्किंग काउंटर्स भी हैं, पार्किंग एरिया भी बहुत है, वरना पहाड़ों में ऐसे खुले डुले बस स्टैंड कम ही देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमने होटल में ही टाइम पास किया। डिनर की बात करें तो खाना अच्छा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उठे तो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। चेकआउट करने के बाद करीब 11 बजे हम रामपुर से निकल गए। फूड एंड स्टे मिला के हमने 1700 रुपये यहाँ पर पे किया। मैं इस स्टे को डिसेंट कहूँगा। एक्चुअली ये होटल शहर के बीचों बीच है तो ट्रांजिट पर्पस के लिए यानी रात बिताने के लिए ठीक है, पर पहाड़ों वाले फील के लिए नारकंडा या सराहन में स्टे बेटर रहेगा। तो बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है एंड त्रंडा ढांग से आगे ऐसी बारिश में ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए। हम तो वेदर फोरकास्ट चेक करना भूल गए थे, पर आप इस तरफ आएँ तो इस पर ज़रूर ध्यान रखें और ताकि लैंडस्लाइड वगैरह से आपकी ट्रिप ख़राब ना हो। हालांकि बारिश की वजह से बाहर का नज़ारा बेहद खूबसूरत हो गया है, तो पुराने मधुर गीत सुनते हुए हम झाकड़ी से होते हुए ज्यूरी पहुँचे। रामपुर से ज्यूरी का रोड डबल लेन है और काफ़ी अच्छा है। ज्यूरी से सराहन के लिए अलग रोड जाता है जो कि यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। सराहन में माँ भीमा काली का भव्य मंदिर है और हाइट पर होने के कारण सराहन से बर्फीले पहाड़ों के सुंदर व्यूज दिखाई देते हैं। सराहन में अच्छे होटल्स भी अवेलेबल हैं, तो अगर आप शिमला से रिकांगपियो में 2 दिन लगाना चाहो तो सराहन में स्टे करना बेटर रहेगा। ज्यूरी से आगे रोड थोड़ा ख़राब है और उखड़ा पड़ा है, तो थोड़ा संभल कर ही चलना पड़ रहा है। त्रंडा ढांग तक अब रोड लगभग सिंगल लेन ही है। इसके बाद हम बधाल पहुंच गए और हम यहां पर लंच करने वाले हैं। किन्नौर जाने वाली सभी बसेज यहां पर खाने के लिए रुकती हैं। यहां कुछ शॉप्स हैं और एक फेमस ढाबा है जिसका नाम आर्यन भोजनालय है। यहां 60 रुपये में फुल डाइट मिलती है और टेस्ट भी बढ़िया होता है। और हमने यहां पर लंच बाहर के मनोरम दृश्यों को देखते हुए किया। लंच करने के बाद हम पहुंचे हैं ज़िला किन्नौर के प्रवेश द्वार पर। किन्नौर ज़िला मुख्यालय रिकांगपियो यहां से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। इसके बाद चौरा में एक छोटा सा वाटरफॉल है जहां अपनी गाड़ी धोना ट्रेंड में है। हमने भी यहां बहती गंगा में हाथ यानी अपनी गाड़ी धो ली। और ये किन्नौर ज़िला का एंट्री चेक पोस्ट है, हालांकि यहाँ आपको बिना वजह नहीं रोका जाता। यूं तो शिमला से रिकांगपियो के लिए बहुत सी बसेस अवेलेबल हैं, बट ये हमारे आगे चल रही शिमला वन डिपो की बस का टाइम काफ़ी सुइटेबल है। ये सुबह 6:15 बजे शिमला से चलकर शाम 4 बजे रिकांगपियो पहुंच जाती है। और ये एक चट्टानों में से बनी हुई टनल भी पार करनी पड़ेगी। ये इस रास्ते का एक फेमस पॉइंट भी है एंड बहुत लोग यहाँ पर रुक कर फोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं। यहाँ से त्रंडा ढांग तक रोड तंग सा ही है। और ये हम त्रंडा ढांग पहुँचने वाले हैं। ढांग से पहले ये त्रंडा माता का मंदिर है और यहाँ से गुजरने वाले लोग मंदिर में माथा ज़रूर टेक कर जाते हैं। बारिश बहुत तेज़ है और हम धीरे धीरे चल रहे हैं। ये है त्रंडा ढांग। ये रोड चट्टान को काट कर बीच में से बनाया गया है। ये करीब 2 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है। अब साइड पर रेलिंग वगैरह लगा दी है, लेकिन पहले ऐसा कोई क्रैश बैरियर नहीं था और रोड भी थोड़ा तंग था।
यहाँ सतलुज नदी एकदम नीचे है और जरा सी भी चूक हुई तो सीधा नदी में समा सकते हैं। त्रंडा ढांग के बाद फिर से डबल लेन रोड है। यहाँ नीचे नाथपा डैम है जिसका पावर हाउस झाकड़ी में है। नाथपा झाकड़ी एशिया का सबसे लंबा अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इसकी कैपेसिटी 1530 मेगावाट है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को अब सतलुज जल विद्युत निगम के नाम से जाना जाता है। टापरी पहुंचने से पहले आपको भाबानगर, निगुलसरी और वांगतू जैसे छोटे छोटे गांव रास्ते में मिलेंगे और यहां पर बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। और हम टापरी पहुंच गए हैं। टापरी ज्यूरी के बाद अगला मेजर स्टेशन है। एचआरटीसी की सभी बसेज यहां पर कुछ देर बस स्टैंड में रुकती हैं। टापरी में नाइट स्टे के लिए आपको कुछ होटल्स या फिर गेस्ट हाउस वगैरह मिल जाएंगे। ये रोड वैसे तो डबल लेन है बट बीच बीच में खराब पैचेस भी हैं और बारिश में ऊपर से पत्थर भी गिरते रहते हैं। यहाँ रोड कभी सही है तो कभी बीच बीच में से टूटा हुआ है। यहाँ सतलुज नदी के अगल बगल ही चलना होता है, कभी नदी के इस पार तो कभी उस पार। टापरी के बाद कड़छम आता है जहाँ से राइट साइड में रोड सांगला और छितकुल की तरफ जाता है। छितकुल तिब्बत बॉर्डर से पहले हिंदुस्तान का आखिरी गांव है। आप रिकांगपियो जाने से पहले एक दिन सांगला और छितकुल भी घूमकर आ सकते हैं या फिर वापसी में शिमला जाने से पहले भी इसे कवर कर सकते हैं। और ये कड़छम डैम है जिसका पावर हाउस नीचे वांगतू में था। इस परियोजना को कड़छम वांगतू परियोजना के नाम से जाना जाता है और इसकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट है। कड़छम से रिकांगपियो अब 24 किलोमीटर दूर है और हमें करीब 30 से 40 मिनट्स और लगेंगे। बारिश हल्की सी कम हुई है और हम यहाँ रल्ली में चाय के लिए रुके हैं। यहाँ टनल बनाने का काम चल रहा है। ये इस नदी पर एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है। ये शोंगटोंग ब्रिज है। बारिश खत्म होने के बाद ऊपर का नज़ारा तो बहुत ही सुंदर हो गया है। और ये रिकांगपियो से शिमला होते हुए हमीरपुर जाने वाली बस है और ये बस रिकांगपियो से सीधे मनाली होते हुए केलोंग जा रही है जो रिकांगपियो से 5 बजे निकलती है। तो अब हम पवारी पहुंच चुके हैं और ये सामने वाला NH5 पूह शिपकिला पास और काजा की तरफ जाता है। पवारी के बाद इस पहाड़ के ऊपर चढ़कर रिकांगपियो आ जाएगा। पवारी से रिकांगपियो तक तीखी चढ़ाई है और रोड भी सिंगल ही है। और यहाँ से हमें खूबसूरत रिकांगपियो की पहली झलक मिलती है। बारिश के बाद मौसम और सुहावना हो गया है। नीचे बहती सतलुज नदी और सामने दिखते किन्नर कैलाश के पहाड़, मतलब आप देखते ही रह जाओगे। दूर दूर बने लोगों के घर और ये घिरे हुए बादल, सच में ये नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं है। और ये रिकांगपियो पहुंचने से पहले की आखिरी चढ़ाई है। सामने के व्यूज़ को देखकर तो मानो सारी थकान छूमंतर सी हो गई है। नीचे पवारी में एक पेट्रोल पंप था और यहाँ रिकांगपियो में भी 2 पेट्रोल पंप्स हैं। तो फाइनली करीब 5:30 बजे हम रिकांगपियो पहुँच गए। ये ऊपर यहाँ का मेन चौक है और यहीं से ऊपर एक बड़ी मार्केट भी है। रिकांगपियो के ऊपर इसी पहाड़ी पर कल्पा और पांगी हैं। यहाँ इस चौक से अंदर जाके रिकांगपियो का मेन बाज़ार है। हम लेफ्ट से बाईपास लेकर ऊपर की ओर जाएंगे।
ये राइट में रिकोंगपियो का बस स्टैंड है और यहाँ से चंडीगढ़, दिल्ली और हरिद्वार के लिए सीधी बसेस अवेलेबल हैं। इसके आगे भी छोटी सी मार्केट है। ये रोड आके कल्पा, रोगी और पांगी की तरफ चला जाता है। तो 6 बजे हम अपने होटल पहुँचे। होटल का नाम अल्पाइन नेस्ट है और ये रिकोंगपियो से कल्पा रोड पर है। तो दोस्तों, इसके बाद का सफ़र हम अगले पार्ट में दिखाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम रिकोंगपियो और कल्पा की लोकल साइट सीइंग कवर करेंगे और फिर उसके बाद HRTC बस से आगे का सफ़र शुरू होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। आप जुड़े रहें हिम बस के साथ। धन्यवाद।